हेलो दोस्तों, मैं क्लास फोर का पैटर्न चैप्टर का ये वर्कशीट थ्री बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें भरा हुआ है, डोंट वेरी, टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगा कैसे बनाते हैं। कंप्लीट द गिवन नंबर एंड ये टावर है, इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। ये बनाते कैसे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा है, यहाँ 20 लिखे हैं, लिखा हुआ है 30 या 40 दोस्तों। ये जो भरते हैं ना, ये देखिए, इसको टच कर रहा है और इसको टच कर रहा है, तो 4 प्लस 3 7 तो 70। ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, तो 3 प्लस 2 5। उसके बाद ये इसको टच कर रहा है, इसको 7 प्लस 7 3 प्लस 2 5 7 प्लस 5 12। दोस्तों ये देखिए, बच्चा सब गलती भराया, 110 लिखा लेकिन 112 होगा यहाँ, है ना, गलत भरा है। तो मैंने आपको बताया यहाँ गलते भरा है दोस्तों, बच्चा सब भरा है तो गलत भर दिया है। मैं आपको बताया कैसे दोनों को ऐड करके जिससे टच कर रहा है उसमें भरते हैं। नेक्स्ट बता रहा हूँ ये वाला, इसमें 1 2 3 4 स्टेप है। और भरा हुआ क्या क्या है, 6 5 6 7 8 5 6 7 8, है ना, 5 6 7 8 भरा हुआ है दोस्तों। अब देखिए, ये इस दोनों को टच कर रहा है, तो 6 प्लस 7 6 प्लस 5 11, इस दोनों को टच कर रहा है ये, तो 7 प्लस 6 13, ये इस दोनों को टच कर रहा है, तो 8 प्लस 7 15। अब ये देखो, ये दोनों को टच कर रहा है, तो इस दोनों को प्लस 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2, ये दोनों इसको टच कर रहा है, तो 5 प्लस 3 8 और 1 प्लस 1 2। अब देखिए, ये इन दोनों को टच कर रहा है, तो 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1 2 2 4 1 5, तो 52। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का शेयर भी कीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको एक बनाने देता हूँ, जैसे है ना, आप बनाइएगा इसमें कितना आप आंसर लाते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर बना पाइएगा तो। यहाँ है 4, यहाँ 0, यहाँ 7 दोस्तों, ये कितना आएगा आंसर इसमें बताना आपको।